आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि अगर आपने 12th या 10th का स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है बिहार बोर्ड के लिए, अगर आपके एप्लीकेशन में फादर नेम वेरिफिकेशन इन प्रोसेस लिख रहा है या मदर नेम मिसमैच लिख रहा है, फादर नेम मिसमैच लिख रहा है या कोई भी तरह का मिसमैच है, तो कैसे आप उसको सुधारें। मैं प्राइवेसी पर्पस के कारण इसे हाइड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जितना भी डिटेल है सभी वेरीफाई हो चुका है, आप सभी भी करा सकते हैं। किस तरीके से कराना है आइए इसका प्रोसेस हम जानते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, मेधा सब नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाना है जहाँ से आपने अप्लाई किया था, ठीक है। मेधा सॉप लिखना है गूगल पे और सर्च करना है। ऊपर में देखिए एक लिंक है मेधा सॉप नाम का, उस पर जाना है। और यहाँ पे अगर आपने 10th के लिए किया है, 12th के लिए किया है या जिस भी चीज़ के लिए किया है, यहाँ पे आप उस पर क्लिक करेंगे। मान के चलिए कि अगर आपने 10th के लिए किया है तो अप्लाई फॉर 10th करेंगे और यहाँ पर जाइएगा तो साइड में देखिए ऑप्शन दिखाई देगा स्टूडेंट का, रिपोर्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर जाइएगा तो बहुत सारा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। अगर आपको डिटेल चेक करना है कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, तो क्लिक हेयर टू चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ से आप सभी देख सकते हैं अपना डिटेल कि कहाँ पे आपका प्रॉब्लम है। अगर आपका फादर नेम मिसमैच है, वेरिफिकेशन इन प्रोसेस है, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कंप्लेन रेज करना होगा। जिसके लिए आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा तो एक पेज खुलेगा जहाँ पे आप अपना कंप्लेन रेज कर सकते हैं। ये जो ग्रीवेंस नाम का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, या थ्री डॉट जो दिया हुआ है, थ्री लाइनिंग जो दिया हुआ है, यहाँ पर जाइएगा तो सबमिट योर ग्रीवियंस नाम का एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे डिटेल डाल देना है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका फादर नेम वेरिफिकेशन इन प्रोसेस है, तो यहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, नेम ऑफ स्टूडेंट डाल दीजिए, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, ठीक है। जैसे ही अपलोड कर दीजिएगा और सबमिट पे क्लिक करिएगा तो आपका एक कंप्लेन वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कुछ दिन का वेट करना है, हो सकता है कि आपको एक महीना दो महीना लग जाए, ठीक है, तो इतना समय लग सकता है आपका। और दूसरा तरीका क्या है, इसके साथ साथ ऊपर में देखिएगा तो एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी को कॉपी कर लीजिएगा और जीमेल में जा कर के वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है वो डिटेल भेज देना है, ठीक है। इस जीमेल आईडी पे आपका जो भी प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है।